आज हम निःशब्द हैं क्योंकि नफरतों के सिलसिले को जिस तरह से इस देश में बढ़ाया जा रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। महात्मा गांधी की आज सुबह मूर्ति को खंडित किया गया और अभी अभी खबर चेन्नई से भी आ रही है कि आंबेडकर की प्रतिमा पर पेंट फेंका गया है। और यही वजह है कि एबीपी न्यूज आज एक अपील कर रहा है, देश में जिनको महापुरुषों का दर्जा हासिल है उनकी मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये अपील आपके सामने, त्रिपुरा, तमिलनाडु, बंगाल में मूर्तियां तोड़ने की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाओं से समाज का माहौल खराब हो रहा है। हमारे देश में अनेकों विचारधाराएं हैं, संविधान सबको आजादी देता है अपनी पसंद की विचारधारा चुनने का, और यही खूबसूरती भी है, किसी को किसी की विचारधारा थोपने का अधिकार नहीं है। आप असहमत हो सकते हैं, हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। और आप भी ये सोचिए कि नफरत की राजनीति में जिन विचारकों की मूर्तियां तोड़ी गईं, उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया है। ये सोचिए कि लेनिन, पेरियार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विचारकों से देश क्या सीख सकता है। और आज हम उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। मूर्तियां तोड़ने से विचारधाराओं की लड़ाई खत्म नहीं होगी, सिर्फ संघर्ष होगा, सिर्फ तनाव बढ़ेगा। इसीलिए समाज के सभी वर्गों से एबीपी न्यूज की अपील है कि शांति बनाए रखें। चेन्नई में आंबेडकर की मूर्ति पर अज्ञात लोगों ने पेंट फेंक दिया। घटना किसने की अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले कल उत्तर प्रदेश में मेरठ में भी आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। आंबेडकर जो कि इस देश में संविधान के जनक हैं, उनकी मूर्ति पर पेंट फेंका गया कल मेरठ में। ये देखिए तस्वीरें हैं चेन्नई की, जहां उनकी मूर्ति पर पेंट फेंका गया। मेरठ में तो उनकी मूर्ति को तोड़ ही दिया गया। और आज ही केरल के कुन्नूर से खबर मिल रही है कि महात्मा गांधी की मूर्ति को भी खंडित किया गया है। नफरतों का यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा, कब तक? मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी चेन्नई संवाददाता पिंकी राजपुरोहित जुड़ रही हैं। पिंकी, अब से बस एक घंटे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरह से महात्मा की मूर्ति को खंडित किया गया है, अब आंबेडकर को भी नहीं बख्शा गया। बिल्कुल अभिषा, एक घंटे पहले हम इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से महात्मा गांधी की मूर्ति जो है वो खंडित की गई कन्नूर में। तो उसके ठीक एक घंटे बाद अब ये तस्वीर देखने को मिली है, जो फिर एक बार यही कहूंगी कि शर्मनाक तस्वीर, जहां चेन्नई में अंबेडकर की स्टैच्यू पर इस तरह से पेंट जो है वो फेंक दिया गया है लाल रंग का, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अभी यही है कि तो पता नहीं कि आखिर ये किसने किया है, लेकिन लगातार जिस तरह से शरारती तत्व जो इस तरह की हरकतें सामने आ रही है, चाहे त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल की बात करें, तमिलनाडु में भी कल हमने देखा था कि जब पेरियार के स्टैच्यू को जब खंडित किया था, उसके बाद 26 कुल स्टैच्यू है चेन्नई में, जहां पूरी तरह से सिक्योरिटी उन तमाम स्टैच्यूज को दी गई। यानी कि कैसे दिन आ गए जहां पुलिस का प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं स्टैच्यूज की सुरक्षा के लिए। पिंकी राजपुरोहित, इससे पता चलता है कि नफरत क्या क्या नहीं करवाती है। जी हाँ, और इस सिलसिले को समझना होगा, क्योंकि इसका आगाज हुआ था लेनिन की मूर्ति तोड़कर। उस लेनिन की मूर्ति को तोड़ा गया जब त्रिपुरा में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी, और जब यह मूर्ति तोड़ी गई थी तब बीजेपी के महासचिव राम माधव ने इसे सही ठहराने की कोशिश की थी। यह बात अलग है कि उससे उन्होंने ट्वीट को डिलीट ही कर दिया था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।